हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स में, ब्रॉट टू यू बाय महिंद्रा गुरु। सो आइए हम चलते हैं इस हमारी रोज की तरह आज की भी इस जर्नी पे और देखते हैं कुछ और नए 10 शब्द और जानते हैं उनके अर्थ, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स इमेजेस की हेल्प से। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला शब्द, ये है कबाल। ये एक नाउन या संज्ञा है। इसका अर्थ होता है अ प्लॉट अगेंस्ट समवन। इसका अर्थ आप हिंदी में षड्यंत्र कह सकते हैं। So, जो कबाल है वो एक संज्ञा है और इसका अर्थ हिंदी में षड्यंत्र होता है। जो सिनोनिम्स हैं वो आपके सामने है, ये है कॉन्स्पिरेसी या फिर स्कीम। इसको आप कह सकते हैं पर्यायवाची भी, ये है कॉन्स्पिरेसी या फिर स्कीम। जो इसके एंटोनिम्स हैं या विलोम है वो है ऑनेस्टी और लॉयल्टी। जो विलोम है वो है ऑनेस्टी या फिर लॉयल्टी। अब देखिए, यहां पर एक इमेज दे रखी है और ये इमेज शेक्सपियर की जो नॉवल थी उस जूलियस सीजर, उससे ली हुई है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जूलियस सीजर को जो सेनेटर्स थे बाकी लोगों ने घेर रखा है और वो उसको मार रहे हैं, और उसी संदर्भ में ये इमेज दे रखी है यहां पर। अ कबाल वाज फॉर्मड बाय द सेनेटर्स टू किल जूलियस सीजर, यानी कि जूलियस सीजर को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था ब्रूटस एंड एंटनी वगैरह अलग अलग सेनेटर्स के द्वारा, और कुछ इस तरह का कार्य करने के लिए। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए, जो अगला शब्द है वो है कजावा। ये एक नाउन है या संज्ञा है। इसका अर्थ होता है अ लाइफलेस बॉडी यूज्ड फॉर रिसर्च, यानी कि मृतक शरीर को यह दर्शाता है। जो कैडावर है वो एक संज्ञा है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृतक शरीर। अब देखिए, जो सिनोनिम्स या पर्यायवाची है वो है कॉप्स या फिर कार्कस। जो पर्यायवाची है वो है कॉप्स या फिर कार्कस। जो एंटोनिम्स या विलोम है वो है बींग, रादर बींग लाइव और वाइटैलिटी। तो जो विलोम है वो है बींग या फिर वाइटैलिटी। अब देखिए, यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए एक डॉक्टर रेडी है और वो भी करने ही वाला है। उसी संदर्भ में हमने यहां पर कहा भी है द डॉक्टर इज अबाउट टू बिगिन द पोस्टमार्टम ऑफ द कैडावर, यानी कि जो ये मृतक शरीर है इसका पोस्टमार्टम करने ही वाला है ये डॉक्टर। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए, जो अगला शब्द है वो है केवल। ये एक वर्ब या क्रिया होती है। इसका अर्थ होता है टू फाइंड माइनर फॉल्ट्स या फिर गलती निकालना। तो जो केवल है ये एक क्रिया है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है गलती निकालना। अब देखिए, जो सिनोनिम्स हैं वो है क्विबल या फिर क्रिटिसाइज, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है क्विबल या फिर क्रिटिसाइज। अब देखिए, जो एंटोनिम्स हैं वो है अप्रूव या फिर प्रेज, यानी जो विलोम है वो क्या है, वो है अप्रूव या फिर प्रेज। अब देखिए, यहां पर जो हमने इमेज दे रखी है उसी संदर्भ में हमने यहां पे कहा भी है माय मदर इन लॉ केवल्स अ लॉट, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी सास बहुत गलतियां निकालती है। हालांकि कुछ पर्सनल नहीं है मेरे और इनके बीच, ऐसा कोई नहीं है मेरी सास नहीं है, इससे वैसे कहा गया है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए, जो अगला है वो है क्रॉनिक। ये एक एडजेक्टिव है या फिर हम कह सकते हैं विशेषण है। ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड शो करता है, यानी कि लंबे समय के लिए। जो क्रॉनिक है वो एक विशेषण है और इसका अर्थ क्या है, लंबे समय के लिए। अब देखिए, जो सिनोनिम्स है वो दे रखे आपके सामने, ये है इंसेसेंट या फिर परसिस्टेंट। सो जो पर्यायवाची है वो है इंसेसेंट या फिर परसिस्टेंट। जो एंटोनिम्स है वो है अक्यूट या फिर टेम्पररी, यानी जो विलोम शब्द है वो क्या है, वो है अक्यूट या फिर टेम्पररी। अब देखिए, यहां पर आपको एक प्यारा सा कुत्ता देख रहा होगा जो कि अपने मालिक का इंतजार कर रहा है और दरवाजे की ओर देख रहा है। उसी संदर्भ में हमने यहां पर लिखा भी है वाक्य द डॉग वेट फॉर इट्स मास्टर टू कम होम विदाउट ईटिंग एनीथिंग अंटिल द क्रॉनिक वेट एंड्स, यानी कि जब तक ये लंबा जो इंतजार है इस प्यारे से कुत्ते का, यह अंत ना हो जाता है तब तक ये खाना नहीं खाता है, अपने मालिक का इंतजार करता है घर लौटने का। ये एक हचिको मूवी का मुझे याद दिला रही है, आप सभी लोग देखिए अगर आपने नहीं देखी, अच्छी मूवी थी वो। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। क्लीशे, देखिए ये अगला शब्द है। इसका अर्थ है नाउन। अब नाउन नाउन अर्थ नहीं, ये एक नाउन या संज्ञा है। इसका अर्थ है कैच फ्रेज या फिर तकिया कलाम। सो क्लीशे एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, ये है तकिया कलाम। सिनोनिम्स है इसके अडैज या स्लोगन, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द है वो है अडैज या फिर स्लोगन। जो एंटोनिम्स है वो है एटिपिकल या फिर अनहर्ड, यानी जो विलोम शब्द है वो है एटिपिकल या फिर
अनहद। अब देखिए यहां पर आपको एक भाई साहब दिख रहे होंगे, ये बहुत ही जाने माने भाई साहब है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनको पहचान लिया है। और ये आपसे ये कह रहे हैं, माई क्लीशे इज क्वाइट फेमस, यानी कि इनका जो तकिया कलाम है वो काफी फेमस है और खुश होने के संदर्भ में है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है कोहेसिव। ये एक एडजेक्टिव है, ये कह सकते हैं हम विशेषण है। इसका अर्थ होता है क्लोजली नेट या फिर संसंजक। तो कोहेसिव एक विशेषण है, इसका अर्थ है संसंजक। अब देखिए जो इसके सिनोनिम या पर्यायवाची है वो है टेनेशियस या फिर कनेक्टेड, यानी कि जो पर्यायवाची है वो क्या है, वो है टेनेशियस या फिर कनेक्टेड। जो एंटोनिम्स है देखिए वो है सेपरेटेड या फिर डिटैच्ड। अब जो एंटोनिम या विलोम है वो क्या है, वो है सेपरेटेड या फिर डिटैच्ड। अब देखिए यहां पर आपको एक इमेज दे रखी है, कंप्यूटर का नेटवर्क दिख रहा होगा आपको, उसी संबंध में यहां कहा है इन द लोकल एरिया नेटवर्क ऑल द सिस्टम्स वर्क इन अ कोहेसिव मैनर। यानी कि जब हम लैन की बात करते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो जब जो सिस्टम होते हैं वो एक संसंजक रूप से कार्य करते हैं। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है कोलोसल। ये एक एडजेक्टिव या फिर विशेषण है, इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज या फिर विशालकाय। तो जो कोलोसल है ये एक विशेषण है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है विशालकाय। अब देखिए सिनोनिम्स इसके हैं एनॉर्मस या फिर बेहेमोथ, यानी जो पर्यायवाची है वो है एनॉर्मस या फिर बेहेमोथ। अब देखिए जो एंटोनिम्स है वो है टाइनी या फिर मिनिएचर, यानी जो विलोम शब्द है वो क्या है, वो है टाइनी या फिर मिनिएचर। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए सेंटेंस, The 60 feet high roomy darwaza is a colossal reminder of Lucknow's Nawabi culture. तो ये जो शानदार से आपको इमेज दिख रही है, जो शानदार से आपको मॉन्यूमेंट दिख रहा है, ये एक कॉलोसल स्ट्रक्चर है जो कि हमारी नवाबी कल्चर, जो लखनऊ की नवाबी कल्चर है उसका एक रिमाइंडर है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए कॉनकॉक्ट, ये अगला शब्द है, ये एक वर्ब या फिर क्रिया होती है, इसका अर्थ है चालाकी से बनाना या फिर मेक समथिंग क्लेवरली। तो कॉनकॉक्ट एक क्रिया है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है चालाकी से बनाना। जो सिनोनिम्स हैं वो है फैब्रिकेट या फिर एनविजाज, जो पर्यायवाची ये क्या है, वो है फैब्रिकेट या फिर एनविजाज। जो एंटोनिम्स हैं वो है रुइन या फिर डिमोलिश, यानी जो विलोम शब्द है वो है रुइन या फिर डिमोलिश। अब देखिए आपको बहुत ही फेमस ये बिल्ला है, बहुत ही फेमस बिल्ला है, लोकप्रिय बिल्ला है, इसकी इमेज यहां पर हमने लगाई है और ये जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य के संदर्भ में हमने यहां पर लिखा है द कैट कॉन्कॉक्टेड अ स्ट्रेटजी टू किल द माउस, यानी कि इसने बहुत ही चालाकी से षड्यंत्र बनाया है उस माउस को मारने के लिए जिसका ये इंतजार कर रहा है। और ये किस माउस का इंतजार कर रहा है ये आपको पता ही है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है क्रेवन। ये एक एडजेक्टिव या विशेषण होता है, इसका अर्थ है डरपोक या फिर कावर्डली। तो जो क्रेवन है वो है विशेषण और इसका अर्थ है डरपोक। अब देखिए जो सिनोनिम्स है वो है चिकन या फिर गटलेस, जो पर्यायवाची है वो है चिकन या फिर गटलेस। देखिए जो एंटोनिम्स है वो है ब्रेव या फिर करेजियस, यानी जो विलोम शब्द है वो क्या है, वो है ब्रेव या फिर करेजियस। अब देखिए आपको एक डरे हुए यहां पर डॉगी की इमेज दिख रही है और उसी संदर्भ में हमने यहां कहा है द क्रेवन डॉग गॉट स्केयर्ड ऑफ एन आर्टिफिशियल स्टिक, यानी कि ये जो प्यारा सा यहां पर डॉगी है ये हालांकि डरपोक डॉगी है और इसीलिए ये एक आर्टिफिशियल सी स्टिक को देखकर डर गया है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। कल्पेबल, या ये एक एडजेक्टिव होता है यानी कि विश्लेषण है, इसका अर्थ है दोषी या फिर गिल्टी। जो कल्पेबल है ये विशेषण है, उसका अर्थ है दोषी। जो सिनोनिम्स हैं वो है ब्लेमेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो पर्यायवाची है वो है ब्लेमेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल। जो एंटोनिम्स है वो है इनोसेंट या फिर ब्लेमलेस, जो विलोम शब्द है वो है इनोसेंट या फिर ब्लेमलेस। अब देखिए यहां पर आपको एक प्यारी प्यारी सी बिल्ली की इमेज दिख रही है, भले ही ये बिल्ली प्यारी है लेकिन ये एक दोषी बिल्ली है। क्यों? बिकॉज द कल्पेबल कैट ड्रैंक द मिल्क, इस दोषी बिल्ली ने सारा दूध साफ कर दिया, तो इसीलिए ये दोषी बिल्ली है। तो आज हम एंड करते हैं हमारा ये सेशन, उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सेशन था आज का विजुअल वोकैबुलरी का ये आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ये सेशन और आप और भी क्या चाहते हैं हमारे इन वीडियोस में, हमको जरूर बताइए हमारे वीडियो के कमेंट्स में, आपका फीडबैक वहां पर आप ले सकते हो। और हमारा जो FB का पेज है इसका URL आपके सामने ही है, इसको लाइक करे रहिएगा और जितने भी आपके मित्रगण हैं, जितने भी आपके परिवारगण हैं सबसे लाइक करवा दीजिएगा। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप खुद तो सब्सक्राइब रहिए ही और बाकियों को भी सब्सक्राइब करते रहिए। और जो हमारा MG का जो ऐप है वो आपके गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है
उसको अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको सक्सेस की जितने भी टिप्स हैं आपके फिंगर टिप्स पे मिल जाएंगी, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।